कुबेरेश्वरी टेम्पल जो ये अलग एक रोड है, वहाँ तक जाने के लिए आपको ऑटो रिजर्व करना पड़ेगा, और आपके पास अगर टू व्हीलर है तो आप आसानी से जा सकते हो। ये अलग सा एक रोड पड़ गया, और सामने है ये गुमती ब्रिज है, ये नदी को पार करके जाना है। ये गुमती नदी है, ये पैलेस का एंट्रेंस में गाड़ी का पार्किंग है। ये ग्राउंड है बड़ा सा, देखिए यहाँ। ये एक छोटा सा मंदिर है, इस मंदिर को सूर्य मंदिर का नाम से जाना जाता है। 500 साल पहले का टेम्पल है, ये भी एक मंदिर है, लेकिन ये अभी ध्वस्त हो चुका है। हम जा रहे हैं अभी भुवनेश्वर मंदिर के तरफ। मंदिर के ठीक अपोजिट में है त्रिपुरा के पुराने शाही महल, जो ओल्ड राजबाड़ी के नाम से जाना जाता है। और जो ओल्ड राजबाड़ी अगरतला का, इसको भी आप देख सकते हो। राजा गोविंद माणिक को जब दूसरा बार सिंहासन में बैठे, तब उस समय 1666 से लेकर 1676 के बीच में ही भुवनेश्वरी मंदिर को निर्माण कराया गया, और ये मंदिर देवी भुवनेश्वरी को समर्पित है। देवी भुवनेश्वरी को माँ काली का रूप भी माना जाता है। नरबलि होते हैं? हाँ, एक बार ही नरबलि। कारण कहा जाता है राजा गोविंद माणिक को शासनकाल में इस मंदिर में नरबलि दिया गया, यानी इंसान का बलि किया गया। मंदिर आज वीरान पड़ा है। मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, ना कोई पूजा पाठ होता है। मंदिर में देवी भुवनेश्वरी का जो प्रतिमा था, वो पूरा सोने से बनाए हुआ प्रतिमा थे। देखिए, भुवनेश्वरी मंदिर के ठीक अपोजिट में और एक मंदिर बनाया गया। ये मंदिर माँ काली का मंदिर है, और यहाँ पे अभी देवी भुवनेश्वरी को स्थापित किया गया। भुवनेश्वरी मंदिर को नोबेल विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने उपन्यास राजर्षि और नाटक विसर्जन में अमर बना दिया है। इसी जगह पर कविगुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का एक स्टेचू भी बनवाया गया। राजमाला किताब आप पढ़ोगे तो पूरा डिटेल्स में पता चल जाएगा इस मंदिर का बारे में। ये राजबाड़ी का एंट्रेंस है। 1170 सेंचुरी तक यहाँ पे त्रिपुरा के राजधानी हुआ करता था। ये जो उदयपुर राजबाड़ी आप देख रहे हो, ये पुराना राजबाड़ी है, ये महल है पुराना। यहाँ पे कुल मिला के 59 राजाओं ने शासन किया है इस जगह पर। इस उदयपुर को पहले रंगामाटी का नाम से जाना जाता था, और ये रंगामाटी मुगल शासकों का कब्जे में था। महल बेहद पुराना महल है। ये जो महल है, ये त्रिपुरा के राजा जोरजरूफा ने मोक्ष वंश को हरा कर रंगामाटी पर कब्जा कर लिया, और वर्ष 590 ईस्वी को उदयपुर में नया राजधानी स्थापित की। 1567 में राजा के सेना प्रमुख थे गोपी प्रसाद, उन्होंने राजा अनंत माणिक्य को मार डाला और खुद त्रिपुरा का राजा बन गया। गोपीनाथ ने अपने नाम बदलकर उदय माणिक्य रख लिया। फिर बाद में उन्होंने रंगामाटी का नाम भी बदलकर उदयपुर बना दिया। उदयपुर से शासन करने वाला पहला राजा जोजरूफा था, और अंतिम राजा कृष्ण माणिक्य थे। यह जो महल, ये पुराना राजधानी हुआ करता था त्रिपुरा का, और अभी अगरतला शहर में है ये जो महल, इसको शिफ्ट किया गया, जो आज उज्जैन पैलेस के नाम से जाना जाता है। अभी का जो पैलेस है, ये वीर विक्रम किशोर माणिक्य ने बनवाया था 1899 में। ये अगरतला शहर का बीचों बीच में बसा है। महल का ठीक अपोजिट में राजश्री मुक्त मंच है। यहाँ हर साल मई महीने में 2 दिन मेला होता है। सांस्कृतिक अनुष्ठान और कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के कई सारे नाच गान भी आयोजित किया जाता है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के लोग भी इस सांस्कृतिक अनुष्ठान को देखने के लिए भारी तादाद में आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।